नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और स्वागत है आपका इट सुमित कुमार की एक और नई वीडियो में। अगर इंडिया में बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी की बात करें तो जो भी गाड़ियां आपको नंबर वन पर दिखेंगी वो अधिकतर टाटा की ही गाड़ियां दिखेगी। टाटा ने मिडिल क्लास फैमिली को जिन दामों में सबसे ज़्यादा सेफ और सुरक्षित कारें प्रोवाइड कराई हैं वो काफ़ी ज़्यादा काबिले तारीफ है। चाहे वो आप इंडिका ले लें, चाहे टाटा की नैनो ले लें, इन गाड़ियों का जब भी एक्सीडेंट हुआ है इन्होंने कहीं ना कहीं लोगों की जान बचाने में काफ़ी बड़ी भागीदारी निभाई है। लेकिन क्या गाड़ी की अच्छी बिल्ड क्वालिटी बना देने से, गाड़ी में बहुत सारे सेफ्टी फीचर देने से आप अपनी जान बचा पाते हैं? क्या भारत के लोग सुरक्षित हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक एक्सीडेंट की जो हुआ है टाटा की जेस्ट वर्सेस टाटा के ही 407 पिकअप ट्रक के बीच में, जो कि फुल्ली लोडेड था। टाटा की जेस्ट ने ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में 4-star रेटिंग्स हासिल करी है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी चीज़ है। टाटा की टियागो ले लें, टिगोर ले लें, नेक्सोन ले लें, टाटा की कोई सी भी गाड़ी ने ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में कभी भी 4-star से नीचे रैंकिंग हासिल नहीं की है। तो टाटा की जेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ है। एक्चुअली टाटा की जेस्ट राइट साइड वाली लेन से राइट मोस्ट लेन में जा रही थी और अचानक से बिना किसी सिग्नल के उसने टर्न ले लिया। यहाँ पर एक यू टर्न बना हुआ है और ऐसी सिचुएशन में हमेशा ड्राइवर्स को काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी के साथ टर्न लेना चाहिए, क्योंकि हाईवेज हमेशा काफ़ी ज़्यादा रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। तो टाटा की 407 पिकअप जो आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी स्पीड में आ रही थी। पिकअप ट्रक्स के लिए 50-60 की स्पीड बहुत हो जाती है। जब इनमें 3 टन, 4 टन, 5 टन, 6 टन ऐसा लोड भरा रहता है तब ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो जैसे ही टाटा की जेस्ट ने टर्न लिया और अचानक से 407 के ड्राइवर से गाड़ी कंट्रोल नहीं हो, हालांकि सामने वाले व्यक्ति ने बहुत इस गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन इन दोनों के बीच में टक्कर हो गई। आप देख सकते हैं टाटा की जेस्ट का क्या हाल है। यहाँ पर टाटा की जेस्ट में पूरा साइड का जो डोर्स हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुए हैं और टाटा की 407 में भी जिस हिसाब से गाड़ी डैमेज हुई है उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक्सीडेंट है थोड़ा भयानक ही रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डोर पैनल है उसके अंदर पूरा छेद हो गया है और यहाँ पर ये जो छेद हुआ है ये टाटा 407 का आपको टो हुक बाहर निकला होने के कारण देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीका का ये एक्सीडेंट हुआ है। जो ड्राइवर था 407 का, बेचारे ने बहुत बचाने की कोशिश करी इस गाड़ी को, लेकिन जब गाड़ी लोडेड रहती है तब इजीली कंट्रोल नहीं हो पाती, इसीलिए इन लोगों की स्पीड भी काफ़ी स्लो होती है। इसके बावजूद हमेशा ऐसे एक्सीडेंट्स में गलती बड़े ड्राइवर की ही मानी जाती है। तो इसमें कोई जो पैसेंजर वगैरह थे उनको मतलब इंजरी हुई, मतलब ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई? थोड़ी बहुत लगी होगी। ये गाड़ी उधर से आ रही थी ना, भोपाल साइड से, देखो घुमाई तो है उसको। तो ये वो वाले किसके पहिए है वो उसके ऊपर से जो निकली थी? जैसा कि बड़े ड्राइवर की गलती होने के कारण उसे डर था कि भाई अब मुझे पीटा जाएगा, तो सामने वाला फटाक से बिल्कुल किसी देरी के थाने में जाकर के बैठ गया। और जो जेस्ट थी इसे एक एडी ड्राइव कर रही थी, जो कि आप यहां पर साइड में यू टर्न लेते ही आपको लेफ्ट साइड में एक हॉस्पिटल दिख रहा होगा, वहीं पर काम करती थी और वहीं से ये आ रही थी। तो जैसे ही इन्होंने यू टर्न लिया और ये दोनों गाड़ियों में भिड़ंत हो गई। अगर जान माल की नुकसान की बात करूँ तो दोनों ही गाड़ियों में कोई खास ज़्यादा नुकसान हुआ नहीं है। जो आपको टाटा की जेस्ट में नुकसान देखने को मिल जाएगा वो साइड के डोर्स का है, बाकी किसी भी साइड में या फ्रंट से किसी भी तरीके का कोई इम्पेक्ट नहीं हुआ। इस गाड़ी में आपको पर्टिकुलर वेरियंट में आपको 2 एयरबैग देखने को मिल जाते, लेकिन कोई भी एयरबैग उस वक्त पर डिप्लॉय नहीं हुआ। हालांकि फिर भी हल्की फुल्की इंजरीज सामने वाले ड्राइवर को लगी जो टाटा जेस्ट में बैठा हुआ था, और टाटा के 407 वाला ड्राइवर पूरी तरीके से सेफ था।
तो भाई यहाँ पर तो इन लोगों की जान बच गई, लेकिन अगर ये लोग ट्रैफिक नियमों का पूरी तरह से पालन करते या पूरा ध्यान ड्राइविंग पर लगाते तो इस तरीके का हादसा टला जा सकता था। हालांकि ये दोनों जो गाड़ियां हैं दोनों ही इंश्योरेंस में रिपेयर हो जाएंगी, कोई खास इनमें ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, लेकिन अगर यहीं पर टाटा के अलावा कोई और गाड़ी होती तो आप समझ सकते थे कि क्या हालत यहाँ पर होने वाली थी। तो मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि कृपया ट्रैफिक नियमों का सही से पालन करें और पूरा ध्यान ड्राइविंग करते समय अपनी ड्राइविंग सीट पर या आइट साइड के पूरे वातावरण पर रखें, जिससे कि आप काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सीडेंट से रिलेटेड न्यूज़ है तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर फ़ोटो सेंड कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसके द्वारा कुछ अच्छी इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो अपने चैनल पर लेकर के आऊँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।